हेलो। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मीट करने वाले हैं ममता जोशी से, जिनका जो है कि फ्रीलांसिंग करके महीने के 10,000 रुपये अर्न करती हैं, जो कि कोलकाता से बिलोंग्स करती है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आपने कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए सबसे पहले अपने बारे में। यस सर, माय नेम इज ममता जोशी। जी जो मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ। जी मैंने टू थ्री इयर्स से मैं फ्रीलांसिंग में वर्क कर रही हूँ। और इसमें जो है माइक्रो टास्क टाइप के जॉब है, टास्क करना पड़ता है हम लोगों को, और अच्छा जो हम लोग काफी इजीली कर सकते हैं आजकल के टाइम में। तो मोबाइल ये और ये काम आप मोबाइल से भी यूज कर सकते वेरी हैं। गुड। इसके लिए अच्छा आपके लिए कंप्यूटर लैपटॉप की कोई जरूरत नहीं है। वेरी गुड। वो तो जैसे सबसे पहले ये बताइए कि जैसे यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज? एलिजिबिलिटी क्या होती है, वर्किंग डेज क्या होता है, वर्किंग आवर्स क्या होते हैं, वीक डेज क्या रहती है, सैलरी क्या रहती है, एलिजिबिलिटी अप्लाइंग प्रोसेस क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप कवर कीजिए ममता जी। इसमें एलिजिबल का कोई जरूरी नहीं है। आपको बस एक बेस्ट तरीके से आपको मोबाइल चलाना आना चाहिए, आपकी अच्छा जीमेल आईडी होनी चाहिए, प्लस जी आपका अकाउंट का जो भी डिटेल्स चाहिएगा वो अकाउंट के लिए होता है। ये जेन्युइन रहती है ये साइट, और वो लोग वहां से अपना यूएस से वो लोग अप्रूव कर देते हैं। अच्छा बस अच्छा मतलब इसको यूएस की क्लाइंट रहेगी, राइट? ये आप यस कहना चाह रहे हाँ हैं। अच्छा यस अच्छा अच्छा यस अच्छा यूएस ये से रहता है। और ये हम लोग उसमें अगर कोई भी इश्यू रहता है तो मेल के थ्रू हम लोग उससे कनेक्ट रह सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसे मान लीजिए अगर मुझे ही करना है सपोज, तो मुझे कैसे अप्लाई करना होगा, क्या तरीके हैं अप्लाई करने की, और इंग्लिश कितना इम्पोर्टेंट है इसके लिए, एज क्राइटेरिया कुछ है या नहीं है? इंग्लिश का नीड इसमें नहीं है। आपको इसमें एज यू विश आप इसमें लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। हिंदी में भी अच्छा आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसे कि गूगल ट्रांसलेट होता ही है, अच्छा और इंग्लिश में भी रहता ही है। और उसको अगर बंगाली वर्जन में चेंज करना है तो वो एज ए गूगल ट्रांसलेशन के अच्छा हिसाब से आप कर सकते हैं ट्रांसलेट लैंग्वेज। अच्छा अच्छा और इसके लिए कोई इश्यू नहीं है कि आपको लैंग्वेज ये आती है कि नहीं आती है। आप अपने वेग से इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा अच्छा स्टार्टिंग में ये रहेगा इंग्लिश में, और अदर लैंग्वेज में आपको चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हैं। और जैसे ही फर्स्ट में हम लोग अकाउंट बनाते हैं इसमें, इसका लिंक में जाके अकाउंट बनाएंगे, ओपनिंग अकाउंट करके अपनी डिटेल्स वगैरह देते हैं। डिटेल्स देने के बाद में फिर वो स्टार्ट हो जाता है हम लोग का जॉब पेज। अच्छा जॉब अच्छा फील्ड में स्टार्ट होने के बाद में जैसे हम लोग का सबसे पहले हम लोग इसमें एसईओ करते हैं, सर्च इंजन ऑपरेटिव वाला, अच्छा अच्छा वो टास्क करते हैं, जिसके लिए हम लोग को पर टास्क का 3 रुपीज मिलता है। 3 रुपीज। अच्छा हाँ, इस टाइप का ये टास्क होता है। और इसमें कोई फिक्स सैलरी नहीं है, जितना आप वर्क करोगे उतना आपका अर्निंग रहेगा। अच्छा आप अच्छा अच्छा दिन रात जैसे वर्क टाइम मिल रहा है वैसे आप करिए, अपना जो डेली वर्क है उसके बाद में जो भी फ्री टाइम मिल रहा है आप उसमें एक्टिव रह के उस फील्ड को रहिए। और उसके अलावा इसके हेल्प डेस्क एक रहता है जिसमें आपको पूरा हेल्प दिया जाता है कि कैसे ये टास्क नहीं आ रहा है, कहीं अगर अटक गए हो तो वो लोग हेल्प कर देते हैं। अच्छा 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 बिल्कुल। तो और जिस जी 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 तो इसमें जैसे सैलरी बेसिस ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब ये अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन या फिर अकॉर्डिंग टू योर वर्किंग हार्ड वर्किंग पे ये डिपेंड करता है हाँ कि आप मंथली के कितना पैसा अर्न कर सकते हैं बाय द फ्रीलांसिंग। ये जो कंपनी है, जैसे आपने बताया जो क्लाइंट है, वो अमेरिका के क्लाइंट है, राइट? यस यस हाँ अच्छा। तो जैसे मान लीजिए कि आपका, जैसे ऑल ओवर अगर मैं आपकी पर्सनली बात करूँ, तो आपने यहाँ पे कितने महीने जॉब किए थे या कितने ईयर्स जॉब किए थे आपके? मेरा 2-3 इयर्स से मेरा फ्रीलांसिंग का वर्क चल रहा है, जिसमें आप 2-3 साइट मिला के आराम से दो तीन साइट मिला के आप करोगे तो आप 5,000 करीब एक साइट में निकाल लोगे। अच्छा, एक साइड से 5,000 हर मंथली आ जाए। तो लोगों जैसे सैलरी, जो हाँ स्टेट स्ट्रक्चर रहती है, वो क्या डिफरेंट होता है अलग अलग कंपनीज के, या फिर मतलब जैसे मान लीजिए नहीं जैसे नहीं अच्छा सेम सेम प्रोसेस ही रहेगा, आपका कोई डिफिकल्ट नहीं रहेगा। और मेरी जो साथ में फ्रेंड्स लोग हैं वो लोग सब कर रही है, $80-90 सब मंथली का उठाती ही है अच्छा अच्छा एज। अच्छा अच्छा मंथली रिसीव करती है 80 to 90। वो लोग वर्किंग हार्ड हाँ करती है और वो लोग सही टाइम हाँ पर प्रॉपरली वर्क कर रही है, और ये महीने नाइट का में भी वर्क आता है, नाइट में भी टास्क काफी आते रहते हैं अच्छा इसमें, अच्छा अच्छा तो वो लोग नाइट भी एकदम हार्ड वर्क करती है, दिन में रहता है जो रहता ही है, इस अच्छा हिसाब से वो लोग पूरा करती है। अच्छा 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 बिल्कुल। तो जैसे मान लीजिए एक चीज जैसे और मैं पूछना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए कि जो ऑडियंस हमारे हैं, जैसे लगभग लगभग आपको 10,000 ऑडियंस हमारे सुन रहे हैं आपकी बातों को,
जी अगर वो उसमें से मान लीजिए कोई फीमेल्स हैं, कोई गर्ल्स हैं, कोई हाउसवाइफ हैं जो कि वहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं आपके जैसे फ्रीलांसिंग में, जैसे आपने जॉब किया है यहाँ पे, तो वो कैसे अप्लाई करेगा? बाकी मैं कैसा आपको कुछ होगा। ऐसा अप्लाइंग प्रोसेस, कुछ ऐसे साइट के नाम आप जो देना चाहेंगे जो मैं हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स साइट में दे। है, एक स्प्राउट गिग्स नाम का एक साइट है, एक जी रैपिड वर्कर्स नाम का साइट है, एक माइक्रो वर्कर्स नाम का साइट है, जिसमें आप लोग आराम से इजीली, नो एज इश्यू, नो टाइम इश्यू, अच्छा इजीली अच्छा आप लोग उसमें वर्क कर सकते हैं और अर्निंग भी कर सकते हैं। अर्निंग भी कर सकते। तो ये जो आपने बताया, जो साइट का नाम बताइए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंटेन कर दे रहा हूँ, जी 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 ताकि जो हमारे ऑडियंस है वो आराम से इसलिए वर्क कर सकता है। अगर उनको कुछ भी डाउट होता है इसके रिगार्डिंग कि सर मैं फ्रीलांसिंग नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, तो जी वो बिल्कुल, बिल्कुल जो कमेंट आप, करके हेल्प ले सकते हैं वो। हाँ हेल्प ले सकते हैं बिल्कुल। और दूसरी सबसे बड़ी बात पे आपसे यहाँ पे ये पूछना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए कि आपने बताया कि आपकी काफी अच्छी एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो जैसे मान लीजिए आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें, तो आपको कैसा लगा? अगर मान लो कोई दूसरे बंदे करने चाहते हैं तो उसको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, जो मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही है, जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अनएम्प्लॉयड है, या फिर हाउसवाइफ है, या फिर मैच्योर वुमेन है, तो उनको कैसे आप हाँ, मैं तो मतलब मोटिवेट यही करना कहना चाहेंगे? चाहूंगी, अगर वो, उनके पास फ्री टाइम है तो वो लोग अपना माइंड इसमें लगा सकती है, उनका इजीली आप आराम से उसमें वर्क करके जी अर्निंग कर सकती है, उसमें अच्छा कोई इश्यू नहीं होगा। और आपका इसमें जो पेमेंट वो लोग करते हैं साइट से, वो लोग आप लोग को एआरटीएम से देंगे, एआरटीएम के अलावा और भी दो तीन साइट है उस सब में तो वो लोग इसके दे लिए देते हैं वैलेट पेपल में, अकाउंट भी जरूरी है या फिर पेपल की कोई जरूरत नहीं? पेपाल में भी दे देता है। और जैसे कि रैपिड वर्कर्स है वो लोग पेपाल में देता है, अच्छा तो और अगर माइक्रो वर्कर्स जी जो जी है वो आपका इस एआरटीएम वैलेट में देता है, वो लोग कंपनी वाला, यूएस का साइट वाला। अच्छा, तो मैं अगर आपकी पर्सनली बात कर लूँ, तो आपकी जो पेमेंट रिसीव होते तो वो पेपल से होते थे या फिर अलग साइट से होती या अलग ऐप से होते थे? ये एआरटीएम ही एआरटीएम। वैलेट में आता है, वो लोग कंपनी अच्छा, वाला एआरटीएम में अपना डॉलर सेंड करता है, फिर हम लोग डॉलर को आईएनआर तो में मिनिमम जो चेंज कर कितना सकते होता हैं। है जैसे रिसीव करना मिनिमम पर्स, 5 डॉलर आप विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए तो $5 बनने में कितना टाइम लग जाएगा? 5 डॉलर डालने में आपका 2-3 दिन लग जाएगा, अगर आपके वर्क के ऊपर है। अगर आप दिन भर में 1 घंटा भी अगर वर्क करेंगे, 1 घंटा वर्क करके आप, मतलब टोटल 3 दिन में अगर मान लीजिए 3 घंटा किए, तो आपका 5 डॉलर बन जाएगा। अच्छा, 3 दिन में 1 1 घंटा यानी 3 घंटे काम हाँ, किया, तो मैंने 3 घंटे में $5 में ये फाइव कर डॉलर बन लूंगा। जाएगा। हाँ अच्छा, इसमें किसी भी तरह कोई वर्क प्रेशर नहीं? अगर मुझे आज काम करने ना का ना, मन नहीं वर्क हुआ तो प्रेशर मैं नहीं नहीं है। करूंगा आज काम, तो हाँ, मुझे नहीं ऐसा कर कुछ सकते नहीं कि हैं। कंपनी से निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना ना? ना, इसका बस एक यही रहता है कि आपका एक ही वो रहना चाहिए सर्वर। अच्छा, सर्वर एक रहना चाहिए। हाँ अच्छा, इसके आईडी बनते होंगे ना, कि आईडी ब्लॉक नहीं हाँ होना आईडी, चाहिए, राइट? हाँ, अगर सर्वर आपका चेंज हो जाएगा या डिवाइस चेंज हो जाएगा तो आपका सस्पेंड अकाउंट कर देगा, कर और देगा। फिर वो लोग नहीं खोलते हैं सस्पेंड करने के बाद। अच्छा, कुछ जैसे अप्लाइंग प्रोसेस के बाद कुछ इंटरव्यू वगैरह ऐसा कुछ भी होता है नो फ्रीलांसिंग में? ऐसा नो, कुछ भी नहीं इसमें होता? इंटरव्यू का ऐसा कुछ लेना नहीं है, बस आपका टास्क क्लियर होना चाहिए, टास्क एकदम करेक्ट होना चाहिए। अच्छा, और फिर भी वो लोग 2-3 टास्क को अगर कोई मिस गाइड से कर लिया है तो भी वो लोग छोड़ देते हैं, लेकिन डिवाइस एंड सर्वर एक ही होना चाहिए, उन लोग का यही रिक्वायरमेंट होता है, अच्छा, यही एक बिल्कुल। हार्ड है बस। कि जैसे कि अपने हर कोई नेटवर्क यूज नहीं कर सकते, जो नेटवर्क है, जो डिवाइस है, हाँ, बस ओनली वही यूज होना है, अच्छा आईपी एड्रेस वो लोग ट्रैक करता है। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। ठीक, मतलब क्लाइंट है यूएसए की क्लाइंट है, और इंडिया में हाँ ऐसे जो लोग हैं जो कि फ्रीलांसिंग जॉब करके महीने के 4 से 5 हज़ार रुपये अर्न करना चाहते हैं, जो कि हाउसवाइफ हैं या कोई हाँ एक साइड अनएम्प्लॉयड से है, या आपका फिर उठ जाएगा। हाँ कि कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उस पार्ट टाइम एज अ आप वहाँ पे एज अ फ्रीलांसिंग कर सकते हो। और इसका आप जीता जाता सबूत है कि आप खुद भी यहाँ पे 2.5 साल या 3 साल आपने बताया ना कि जी जो आप जी जी फ्रीलांसिंग कर चुके हैं, और और आपके ये काफी, टास्क करने में ज्यादा समय भी नहीं लगता, एक एक टास्क अपने करेंगे ना तो 2 या 3 मिनट लगते हैं बस। वो एक टास्क को 2 या 3 मिनट लगेंगे? यस अच्छा, सो पूरा कंप्लीट करने में, राइट राइट राइट, बिल्कुल। तो ठीक है, तो लास्ट में एक आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा, उसके बाद वीडियो को एंड करना चाहूंगा। जैसे मान जी लीजिए आपको लगभग 10,000 लोग सुन रहे हैं, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे एज अ फ्रीलांसिंग के तौर पे, जैसे आपने पैसे जो भी है फ्रीलांसिंग करके मैं तो अर्न करके? यही बोलना चाहूंगी कि अपना टाइम जो है वेस्ट ना करके, अगर आपके पास फ्री टाइम है तो अपना टाइम सोशल मीडिया में वेस्ट ना करके, इससे हाँ अच्छा हाँ आप इसमें जी अगर साइट में वर्क करेंगी तो ये, इससे आपका नॉलेज भी ग्रोथ होता है और आपका अर्निंग जो है वो तो आपका आना ही है जेन्युइन, तो इसमें कोई आपको इश्यू भी नहीं रहेगा, और आपका टाइम भी, आपका प्रॉफिट भी हो रहा है, टाइम भी जी सेव हो रहा है।
मैं तो जी यही कहूंगी। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमारे YouTube ऑडियंस को दिया ममता जी, और आपने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया कि किस प्रकार जो है आप एज आ फ्रीलांसिंग करके पार्ट टाइम करके महीने के 4 से 5 हज़ार रुपये और या फिर उससे भी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं अगर आप इच्छा अच्छा से जी काम करते हैं तो, जो कि वैसे क्लाइंट है। और जो आपने काफ़ी अच्छे बताया कि कोई भी लैपटॉप की कोई डिटेल नहीं, अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं, फ्री टाइम हाँ, में आप कर सकते चलते हैं, फिरते किसी भी डिवाइस तरह से कोई कर नो सकते एज हैं। लिमिट बार है, या फिर किसी भी तरह से आप भी मान बोल सकते हैं कि जैसे ओके ग्रेजुएट मैंडेटरी या 12 मैंडेटरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर सी बात आपने बताया जी। यस, तो बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमारे YouTube ऑडियंस को देने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थैंक थैंक यू। यू।